यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? 11 बजे की अपॉइंटमेंट है मेरी डॉक्टर के साथ। 11 बजे? अरे वाह, 10:30 तो हो गए हैं, आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करनी पड़ेगी। वैसे नाम क्या बताया आपने? राजेश। राजेश खन्ना? अरे अरे वाह सर, आपकी तो लड़कियाँ बहुत फैन है। क्या भाई, वैसे सर आप कम थोड़ी हैं, आप अपनी बॉडी देखिए, आपकी चाल ढाल बाल देखिए। बाल रहने दीजिए, छोड़िए सर, आपको ना थोड़ा जिम वगैरह ज़रूर करना चाहिए, क्या लगोगे? हाँ क्या बात है, नाम क्या बताया आपने? राजेश। अच्छा राजेश। आदित्य तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी सर, अगर इसने आपको ज़्यादा डिस्टर्ब किया हो तो। चलो निकलो। आप ऐसा कीजिए, आप 5 मिनट वहाँ जाके बैठिए, मैं अभी डॉक्टर से आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म करती हूँ। एक्सक्यूज मी। यस सर। बेटा हमारी अपॉइंटमेंट थी आज। सर आपकी? हाँ मेरी बेटी कृति की। ओके सर, सर आप मुझे अपनी फाइल दे दीजिए। हाँ हाँ ये लीजिए फाइल। जी बैठिए, मैं आपको थोड़ी देर में कंफर्म। जी थैंक यू, आओ बेटा। यहाँ बैठो। बेटा मैं जरा कैंटीन जा रहा हूँ पानी लेने, तुम्हें कुछ चाहिए? ठीक है। Excuse me. Hello. सर मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? Sure. Thank you. अगर आप चाहें तो हम बैठ के बात करें। हाँ आओ। हाँ अंकल, I'll get straight to the point. मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ और I've been given a job to understand the psyche of patients here. And also having joyful conversations with them. आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सारे मुझे जानते हैं। सर आई नोटिस्ड जब आप अपनी बेटी के साथ इधर हैं, शी इज क्वाइट डिप्रेस्ड राइट? हाँ बेटा, शी इज वेरी डिप्रेस्ड राइट नाउ। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं उसे चेयर अप कैसे करूं। ओके, वो किसी से बात ही नहीं करना चाहती, ना घर से बाहर निकलती है, ना किसी से मिलती है। Just like, जैसे उसने जीने की होप ही छोड़ दी। सर आप चिंता ना करें, मैं हूं ना। आई विल ब्रिंग बैक ऑल द इमोशंस शी हैज लॉस्ट इन टाइम, इफ यू अलाउ मी। हाँ बेटा, अगर तुम उसकी कुछ मदद कर सको तो। जी जरूर। अरे थैंक्स। अरे लो ना। नहीं एक ले लो, और चाहिए हो तो बताना। हाँ ओके। थैंक यू बेटा। कुछ तो ले लो, चिप्स बिस्किट जूस। अरे यार इधर तुम हॉस्पिटल में सिर्फ दवाइयाँ ही खाने आई हो क्या? जो भी हॉस्पिटल आता है कुछ ना कुछ तो लेता ही है, और तुम हो कि कुछ खा ही नहीं रही। एक चीज़ ले लो प्लीज। यार शर्माने की जरूरत नहीं है, देखो ना प्लीज। तो मैं इससे क्या इलाज करवाने आई हूँ, मर रही हूँ तुम्हारे पास बहुत टाइम है वेस्ट करने को।
कहीं और जाके करो, मुझे छोड़ दो, मुझे रहने दो अपनी दुनिया में। आदित्य। कोई बात नहीं बेटा, रिलैक्स बैठो। उधर क्या कर रहा था? अरे कुछ नहीं, बस कैंटीन गया था। आओ। कौन थे वो लोग, जानता है उनको तू? नहीं सिर्फ डॉक्टर के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा। हाँ। बैठ। देखिए शर्मा जी, जो कृति की रिपोर्ट्स हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है कि शायद मेडिसिन डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट वो नहीं कर रही, शायद इनकी बॉडी मेडिसिन को अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। डॉक्टर साहब इसका कोई तो हल होगा? हाँ, हम कोशिश करके वो सारा कुछ ट्राई करते हैं, अगर नहीं असर हुआ तो मुझे लगता है कि हमें कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शायद कुछ चेंज करनी पड़े। पापा क्या मेरे बाल भी झड़ जाएंगे? कृति बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो। मैं कोई कीमोथेरेपी की बात थोड़ा कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा कुछ टेस्ट करवाने होंगे, कुछ थोड़ी सी लाइन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमें चीज नहीं करनी। शर्मा जी मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि देखिए कृति का एटीट्यूड है बड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, ये अच्छा नहीं है। आप इसका एटीट्यूड पॉजिटिव करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो पेशेंट की जो हेल्थ पे असर डालती है और मेडिसिन ट्रीटमेंट का इफेक्ट नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बेटर लगे मेरी बेटी के लिए वो विल ट्राई। मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप किसी भी तरह कृति को अपनी दुनिया में बिल्कुल खोने मत दीजिएगा, उसको अपने साथ आप इन्वॉल्व करके रखें। बहुत बढ़िया शर्ट पहनी है तुमने। थैंक यू सर। कृति भी आ गई। हे कृति, कैसी हो? तुम्हारे मूड में कुछ चेंज आया? पापा ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे निकलने के लिए बोलो यहाँ से। लगता है नहीं आया। तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया और तुम्हारा काम क्या है यहाँ? निकलो निकलो यहाँ से। अरे यार मुझे तो अंकल ने बुलाया। और अंकल किस काम के लिए बुलाया था? हाँ याद आया, कृति अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। स्टार्ट करें? आप खोलो इसे। हाँ मैं खोलता हूँ। ओके 1 2 3 सरप्राइज। जी मैम कैसा लगा? इतना बड़ा केक लाने की क्या जरूरत थी? वो अरे यार तुम कूर क्या रही हो, काटो ना। लो। हाँ काटो। ओ एक मिनट, वेट वेट एक मिनट। हाँ ना छोटा सा केक। क्या कर रहा है? देखते हैं। तुम यहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते। पापा। स्मोक? कैंडल है यार, बैठो। अंकल इसे बुझाना मत। हमारे यहाँ दिए जलाए जाते हैं, बुझाए नहीं।
काटो बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो बेटा केक खाओ। बहुत बढ़िया। अरे आदित्य बेटा तुम भी लो ना। सर मुझे अभी कहीं पर जाना है, मैं बिजी हूँ थोड़ा। मैं अरे बेटा थोड़ी देर तो बैठो। चेरी ले लेता हूँ, थैंक यू। अरे आदित्य बाय बाय। बेटा मैं अभी आया। आदित्य आदित्य। जी सर। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सर। आई एम श्योर कृति आज अच्छा फील कर रही होगी। आज बहुत दिनों के बाद हमारे घर में इतना चेयरफुल माहौल बना है। ऑल थैंक्स टू यू। सर नो वरीज एट ऑल, नो वरीज एट ऑल। और बेटा एक बात कहनी थी तुमसे। जी। हो सके तो जब भी तुम्हारे पास समय हो तुम आ जाया करो हमारे यहाँ। बाय नॉट डन रहा सर। डन। ओके सर। कृति बेटा थैंक यू। कहाँ से आ रहा है? वो लड़की के बारे में बताया था ना आपको, आज उसका बर्थडे था। और तुम उसके घर चले गए? जी। उसने बुरा नहीं बनाया? माँ आपके बेटे का कोई बुरा मान सकता? लेकिन बेटा। माँ उसके फादर ने ही इनवाइट किया था, आज वो थोड़ा लेकिन खुश तो जरूर हुई होगी। तू तो सबको खुश रखता है। माँ सारे खुश रहेंगे तभी तो मैं खुश रहूंगा। चलो अब मैं चलता हूं। आदित्य। जी। बेटा हमने डॉक्टर के जाना है। ओके माते। हारने वाला तो नहीं इतनी जल्दी। अरे यार आदित्य खैर हारने वाला तो नहीं इतनी जल्दी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा यार, तुम इतने अच्छा खेलते हो, फंसा लिया तुमने मुझे। खैर और ये गया आपका घोड़ा। ओ शिट यार। क्या देते यार तुम इतना अच्छा कैसे खेल लेते हो? सर बस सालों साल की प्रैक्टिस है। क्या यार सालों साल की प्रैक्टिस? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझको तो यार, फंस गया मैं तो। वैसे सर अब ना हुँ? आपको आपको हाथी चलना चाहिए। हाँ लगता है हाथी ही चलाना पड़ेगा। पापा हाथी तो बिल्कुल मत चलाना। कृति बेटा मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया हूं। दो बार हरा चुका है मुझे, बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन इस बार मैंने शर्त लगाई है कि जो भी हो जाए जीतूंगा तो मैं ही जीतूंगा। खेलो फिर। अरे बेटा अब तुम ही देख लो, हमें तो बस जीतना है। देखिए मैडम अगर मेरे साथ खेलना है तो कुछ स्टेक पे लगाना पड़ेगा।
ठीक है। तो शर्त ये है, जो हारेगा वो पार्टी देगा, जो जीतेगा वो पार्टी पे जाएगा। डन? ठीक है, ओके, डन। ठीक है, डन डन डन। अरे वाह बेटा, ये हुई ना बात। बहुत अच्छे। चले क्या, कहाँ? ये लो अंकल। मैम आपने मेरे साथ शर्त लगाई थी, दिस इज वाई आई डोंट बिलीव गर्ल्स। अब चलो। पर मुझे तो लगा तुम सीरियस नहीं हो। आई एम ऑलवेज सीरियस। अब चलो यार। नहीं। हाँ नहीं। हाँ नहीं। हाँ नहीं। नहीं। हाँ पकड़ेगी पकड़ेगी। अब चलो जाओ ना बेटा। नहीं पापा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस तुम जाओ। देखो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है, जबरदस्त धूप पड़ रही है, चलो मजा आएगा। हाँ जाओ ना बेटा। नहीं कृति। कृति तुम अपने पापा की बात भी नहीं मानती क्या? तुम्हें इससे क्या? और मैंने अपनी पापा की बात को मना नहीं किया, तुम्हारी बात को किया है। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें यह भी तो सोचना चाहिए कि तुम्हारे इस बिहेवियर के कारण तुम्हारे पापा पर क्या बीतती है। इसका जवाब नहीं है ना। मैं मानता हूं कि यह प्रॉब्लम काफी बड़ी है और तुम्हें काफी दुख भी पहुंचाती है। तुम्हारे पास है कोई सलूशन? नहीं ना, तो जाओ अपना काम करो जाके। तुम शायद भूल रही हो कि मैं अपना काम ही कर रहा हूं, वो काम जो तुम्हारे पापा ने मुझे दिया। कि बेटा प्लीज प्लीज मेरी बेटी को पहले जैसा कर दो, वैसा कर दो जब वो छोटी छोटी बातों पर हंसा करती थी, मुस्कुराती थी, बाहर घूमने जाया करती थी, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। और अब देखो अकेली कमरे में बैठी रहती है। तुम्हें किसने कहा मैं घूमने नहीं जाती? कौन कह सकता है, वही कह सकते हैं ना जो तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं। तुम्हारे पापा ही है ना, तो तुम उनके लिए इतना नहीं कर सकती। वो तो बस यही चाहते हैं कि मेरी बेटी कहीं बाहर जाए, घूमे फिरे, मुस्कुराए खेले। और तुम होगी, मैं तो बस यही कहता हूं। तुम रेडी हो? चलो आओ कहीं चले। चले कहाँ जाना है? फाइव स्टार।
ही कहां लेके आए हो मुझे? फाइव स्टार है ना, चलो ना। और फाइव स्टार कैसे हो? एकदम बढ़िया सर, आप बताइए क्या सेवा करूं आपकी? वही रेगुलर? नहीं, आज मैं कुछ डिफरेंट खाऊंगा, तुम मेन्यू ले आओ। आपका मेन्यू सर? हाँ भाई सर, तुम ऐसा करो, तुम ले आना बारबेक्यू क्रस्टी सैंडविच। बारबेक्यू क्रस्टी सैंडविच और एक लॉबस्टर रोल विद एप्पल पाई। लॉबस्टर रोल विद एप्पल पाई हो जाएगा ना? हो जाएगा सर। ओके, और एक चीज तुम ले आना, एवोकाडो चिकन सैलेड। एवोकाडो चिकन सैलेड विद रोस्टेड बीन्स। रोस्टेड बीन्स मैम, लॉबस्टर रोल थोड़ा तीखी मिर्च से भरा होगा, आपको मिर्ची पसंद तो है ना? नहीं। और एवोकाडो चिकन सैलेड बनने में कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। I suppose you have sufficient time. Yes, we have sufficient time. No, we don't have enough time. Okay, five star, mere yaar, tum aisa karo, do paneer ke parante makhan maar ke saath mein do lassi, theek hai? Okay, jaldi le. Oh, dile, do paneer ke parante laga de makhan maar ke. Tum hamesha hi mazak karte ho. कभी तो सीरियस रहा करो। और तुम हमेशा इतनी सीरियस रहती हो, कभी तो मजाक कर लिया करो, हैं? तुम्हें तो बहुत मजा आता है ना दूसरों की तकलीफें सुन के, तुम्हें क्या कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? हुई है। एक्चुअली मैं अपने लाइफ के सबसे लोएस्ट पीरियड से गुजर रहा हूँ। क्या? हाँ, तुम्हारे साथ लंच पे आना, तुम बहुत बोरिंग हो। आदित्य ये लीजिए सर, आपके पनीर पराठे। थैंक यू। माँ, आजा। इसे क्या हुआ, ये इतना चिल्ला क्यों रही है? पीछे देख। हाँ? उसने अंडे दिए। अच्छा, वैसे मैं क्या कह रहा था, दुनिया की हर माँ सब कुछ छोड़ सकती है लेकिन अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती है ना? माँ, वो मेरी वीडियो गेम किधर रखी है? वो तो पैक करके तुम्हारी कबर्ड में रखा। अच्छा, आज शाम को निकाल के रख देना। तुमने क्या कर लिया? बाद में बताऊंगा, मैं नीचे हूँ।
रुको 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 रुको, वो देखो वहां पे क्या है। आराम से। अरे आओ ना, पानी तो है। तुम बारिश में कभी बाहर नहीं निकली क्या? नहीं। तुम डांस करोगी? हाँ? रुको रुको रुको। डांस? हाँ, मैं करके दिखाता हूँ। लेकिन लुक एट मी, 1 2 3 4 5 6 7। अरे करो करो, तुम करो। मैं? हाँ। अच्छा ये वाला देखो। कृति, हाथ दो। हाथ? आदित्य क्या कर रहे थे? मैं तुम में अपनी एनर्जी और पॉजिटिविटी ट्रांसफर कर रहा हूं, ताकि तुम अपनी जिंदगी मेरे बिना भी ऐसी जी सको। अकेले क्यों? तुम्हारे साथ क्यों नहीं? कृति, मुझसे प्यार मत करना। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे लिए दोस्ती ही अच्छी है। दोस्ती 100 साल तक चलती है, प्यार का क्या पता कब बदल जाए। चलो। आदित्य रुको। पापा, कोई
मैं कभी आपको 5 मिनट फोन कर, ठीक है? हाँ जी शर्मा जी, इट्स मेरे सोच से परे है, आपके पैरामीटर सारे जो पहले से बेटर है। सच डॉक्टर? यस शर्मा जी, कृति की बॉडी में ट्यूमर की ग्रोथ रुक गई है। 100% श्योर होने के लिए हमें एक और टेस्ट करवाना पड़ेगा, वो दिल्ली में है। हाँ कहिए डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे जल्दी से जल्दी वो करेंगे। वहाँ पे दिल्ली वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से मैंने बात कर ली है, मैं आपको उनका एड्रेस और फोन नंबर लिख के दे रहा हूँ। कृति बेटे आप ऐसे ही घबरा रहे, इलाज आप खो जाएगा, ये नहीं रहा, आप ये टेस्ट करवा ले ताकि हम आगे का काम कर सकें। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। पापा मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा अब सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा मैं टिकट अरेंज कर लेता हूँ। पापा मैं आदित्य को कॉल कर लूँ? हाँ बेटा करो। ठीक है। हेलो आदित्य, मैंने तुमसे एक बात करनी है। नहीं नहीं फोन पे नहीं, मिलके बताऊंगी। तुम कल शाम को फ्री हो 7 बजे? जी माँ। हाँ वो कृति के घर आया था, आपको बताया तो था आज एक पार्टी पे जाना। उसकी रिपोर्ट्स अच्छी आई है ना? हाँ चलो ओके गुड नाइट। आदित्य चले? चलो। अच्छा वैसे हम जा किधर रहे हैं? हम बहुत ही स्पेशल जगह पर जा रहे हैं। स्पेशल? यहाँ पर एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज होती है। अच्छा? यस। अरे वाह, अब तो मैं और एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। वाह क्या बात है यार। कृति, आदित्य। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? एक्चुअली मैम हमारे सारे गेस्ट आ चुके हैं और वो टेबल बस आप दोनों का ही इंतजार कर रहा है। आइए। प्लीज कम। How's it? शानदार, मजेदार, wonderful, beautiful. लेकिन तुम कह रही थी कुछ special होगा? हाँ, होगा, जरूर होगा. Wait. No can do, ma'am. Wait करने के लिए तो time नहीं है. अच्छा. Thank you. अच्छा तुम कुछ order करो. मैं आया. तुम कहाँ जा रहे हो? 5 मिनट में. कहाँ? अभी आया। Hey you go, sir. Hello, sir. Hello. Sir, आपको कैसी लगी हमारी कलेक्शन? भाई कलेक्शन के बारे में तो पता नहीं लेकिन नाम पढ़ने में मजा आ रहा है। So, are you ready? For what? आपको नहीं पता है? Oh, yeah. I'm totally ready. Okay, so take this. Cheers, sir. Cheers. Hey, Kriti. बताओ ना यार क्या होने वाला, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन।
Do you know what time it is? Yes, you're right. Huh? It's time for our routinely Saturday night dance. So everybody, please come to the dance floor. हम भी चलें? नहीं. अरे यार चलो ना. मैं जा रहा हूँ. सर आप अकेले ही आए हैं? You guys. Yes, you. The stage is all yours. चलो अरे चलो ना. Oh, my God.
कहाँ थे तुम? मैं बाहर था थोड़ा। पार्टी चल रही है, सब इतने मजे कर रहे हैं, तुम कहाँ थे? एक्चुअली मम्मा को कॉल आया था, उनकी ज्यादा तबीयत खराब है इसलिए हमें जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अभी बिल पे करके आती हूँ फिर हम चलते हैं। तुम तो ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। हाँ। बाय। मैंने कल जाना है, तुम आओगे ना सुबह? हाँ जरूर। और सुनो, बेटा मैंने रास्ते के लिए पानी की बोटल्स वगैरह ले ली हैं। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं पापा। ठीक। क्या हुआ, आदित्य की कॉल नहीं है? नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अभी है समय, आ जाएगा। काम मत करा कर बेटा। बेटा चलो, ट्रेन आ गई। आओ ना बेटा।
I'm sorry, Bell. हम अतिथि के लिए और ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। आपने तो अपनी पूरी कोशिश की डॉक्टर साहब। हम पहले से जानते थे क्या होने वाला है। बस वो तो आदित्य ही था जिसने मुझे कभी इस दर्द को महसूस नहीं होने दिया। वो मुझे हमेशा खुश देखना चाहता है। आदित्य के जाने का गम मैं नहीं सह पाऊंगी। अपने आप को समझ। प्लीज बाप आदित्य के सामने मत लीजिए। वो हमेशा खुश देखना चाह। वो आपका गुना बर्दाश्त नहीं कर। डॉक्टर आदित्य नाम से बुला रहा है। माँ कहाँ थी? यही थी बेटा। तू कैसा है? मैं आपके सामने। माँ माँ बस भी करो अब। पापा का मन नहीं करता होगा मुझसे मिलने का। आप तो मुझे जान ही नहीं दे रहे। रुको बेटा, मैं उठा लूंगा। नहीं पापा, मैं कर लूंगी। अच्छा पापा। हाँ बेटा। आदित्य का कॉल आया आपको? नहीं बेटा, तुम कर लो ना उसको कॉल। मैंने कॉल किया था पर स्विच ऑफ आ रहा है उसका फोन। उदास मत हो बेटा, हम कल जाएंगे ना हॉस्पिटल, मिल लेंगे उसे। आओ अंदर आओ पहले। हेलो मैम। हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स के बारे में सुना है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू मैम। आप आदित्य को तो जानते हैं ना? आदित्य? हाँ, क्यों? मुझे काफ़ी दिनों से वो मिला नहीं। उसकी मदर की हेल्थ ठीक है ना? मदर? उसने तुम्हें क्या कहा? यही कि उसकी मदर की हेल्थ ठीक नहीं रहती। ये लड़का भी ना हमेशा अपने दुख छुपा के औरों को खुश करने में लगा रहता है। क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं? ये देखो उसकी रिपोर्ट्स। वो लास्ट स्टेज पर है। उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। कृति क्या हुआ? संभालो खुद को। कृति कृति क्या हुआ बेटा? पापा। हाँ बेटा, क्या हुआ आदित्य को? बेटा
कृति कब भाई क्या हुआ तुमने बताया क्यों नहीं सब कुछ मेरी तरफ देखो बता भी देता तो तुम क्या कर लेते अब कोई कुछ नहीं कर सकता आदित्य तुम रोने लगी इतनी मुश्किल से तुम्हें खुश किया था सारी मेहनत खराब झूठ सब झूठ झूठ हो या सच मैं नहीं जानता लेकिन वो पल मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे और जिंदगी से चाहिए क्या तुम तो कहते थे दोस्ती कभी खत्म नहीं होती और अब और अगर दोस्ती न रहे ये क्या कर रही हो मैं अपनी सारी पॉजिटिविटी और एनर्जी तुम्हें ट्रांसफर कर रही हूँ देखना सर मॉनिटर बुक चेंज आया याद करूंगी मैं तुम्हें कभी भूलूंगी नहीं आदित्य आओ कहीं चले